यहाँ पर सेल की तरफ से एक नई बहाली आई है, जिसमें आप सभी को मैं नोटिफिकेशन को पूरा रीड करके शो करने वाला हूँ कि यहाँ पर बहाली कब से स्टार्ट होगा, साथ ही साथ में कितने पोस्ट अवेलेबल है, साथ में ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कितने पोस्ट पर कितने सारी सैलरियाँ अवेलेबल होती है, यानी कितना आपको मिलेगा, और इसका लास्ट डेट कब से है, इसका स्टार्ट कब से हुआ, इसका मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जितने भी सारे फ्रेंड हो उसे भी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल का जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर इसके आने के बाद यहाँ पर आप कैरी वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पेज ओपन होगा। इस वाले पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद जितने भी यहाँ पर वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं, सभी वैकेंसी यहाँ पर इस वाले बोर्ड में अवेलेबल हो जाती है कि कौन सा वैकेंसी अभी अप्लाई हो रहा है, कौन सा स्टार्टिंग है। यहाँ पर वैकेंसी के यहाँ पर स्टार्ट 18/6/2021 से लेकर यहाँ पर 15/8/2022 तक यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर भी 18/6/2021 से लेकर 15/8/2022 तक यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आप नोटिफिकेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। यहाँ पर डाउनलोड वाले पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर लिया हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और आपको थोड़ा यहाँ पर शो कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपायरीज राउरकेला स्टील प्लांट, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल भी देख सकते हैं। इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रेन फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि इंटरव्यू पर यहाँ पर आपको बहाली होगी, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेडिकल अटेंडेंस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको 7,000 रुपये यहाँ पर सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखें सिटी क्रिटिकल यहाँ पर केयर नर्सिंग के लिए यहाँ पर इसमें इतने सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें यहाँ पर डिप्लोमा, यहाँ पर जनरल नर्सिंग, मिड वाइफरी, इस तरह का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें आपको 17,000 रुपये पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो मेट्रिकुलेशन पर यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट अवेलेबल हैं। साथ में इस तरह से यहाँ पर एडवांस स्पेशलाइजेशन नर्सिंग का यहाँ पर देखेंगे ASNT का, तो यहाँ पर इसमें 40 पोस्ट, जिसमें 15,000 यहाँ पर बहालियाँ आए यहाँ पर पेमेंट आपको मिलेगा। जिसमें यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात किया जाए तो यहाँ पर मेडिकल ट्रेनिंग ट्रांसपरेशन ट्रेपनिंग का यहाँ पर 9,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, जिसमें कैंडिडेट यहाँ पर मिनिमम इंटरमीडिएट हो 10+2 क्वालिफिकेशन के साथ। यहाँ पर मेडिकल लैब के टेक्नीशियन की बात किया जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट हैव बीन पास डिप्लोमा पास होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर 9,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर पूरी तरह से को रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद 9,000, 15,000, 9,000 यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, जिसमें आपको वैकेंसियाँ यहाँ पर दिखाया गया है सभी की कितने कितने वैकेंसी अवेलेबल है, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस, इसमें हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, तो अप्लाई कैसे करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कैंडिडेट फिलिंग द एबव पर स्पेसिफिकेशन ऑफ सैलरी ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन देना होगा। ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन दे सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस बताया गया है। अगर आपको अप्लाई करने का अगर पूरा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसका मैं अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि ऐसे कैसे अप्लाई करना है और क्या अप्लाई करने के बाद फॉर्म को जमा करना है अथवा नहीं करना है, इसका कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप सभी को वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट डेट की यहाँ पर कब तक इसका अवेलेबल है, तो डेट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5/8/2022 यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो वहाँ पर शुरू में नोटिफिकेशन दिखाया था वो नोटिफिकेशन वहाँ पर जारी करने का मतलब हमेशा के लिए डेट था, वहाँ पर नोटिफिकेशन हमेशा जारी होते रहता है, लेकिन आपको ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब से कब तक है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट में यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर 5/8/2022 से लेकर यहाँ पर क्लोजिंग डेट यानी कि बंद होने की तिथि यहाँ पर 20/8/2022 तक है, यानी कि 5 तारीख से यहाँ पर ही अप्लाई इसका शुरू हो गया है, साथ में आपको 20 तारीख तक इसका अप्लाई होगा। तो अप्लाई करने के हमें वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिए, जितने भी फ्रेंड हो सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।